लोकसभा चुनाव में जहां राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच चुनावी घमासान मचा हुआ है, वहीं सतना लोकसभा क्षेत्र में भाजपा नेत्रियों के बीच हुई मारपीट में चुनावी माहौल को गर्मा गर्म कर दिया है। घटना के अनुसार सतना में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के कार्यक्रम के दौरान सतना महापौर ममता पांडे और सांसद प्रतिनिधि नीता सोनी के बीच न सिर्फ वाद विवाद हुआ बल्कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसमें महापौर ममता पांडे का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। इस मामले में महापौर ने सांसद प्रतिनिधि नीता सोनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। विदेश मंत्री आएंगे सुषमा स्वराज और हम लोग हेलीपैड से लेकर वहाँ आए थे भरूच होटल में, वहाँ चाय पीने के लिए हम अंदर बैठे थे, डाइनिंग हॉल में लोग खाना खा रहे थे। ये तीनों महिलाएं अंदर जा रही थी, शैलेंद्र सिंह जी पिए हैं सांसद जी के, उन्होंने उनको कहा आपको खाना खाना तो अंदर आ जाइए या मिलना है तो सुषमा जी भी बाद ही मिलेंगी। वो लोग बाहर बैठे हैं सोफा में, जैसे ही चाय पी के हम बाहर निकले तो नीता सोनी और मीना माधव और गुड़िया वो हरिजन हैं तो वो दोनों तीनों लोग खड़ी हो गई और नीता सोनी हमको गाली देने लगी। और गाली देने के बाद जब वो गाली देने लगी कि ये हमारा सम्मान नहीं करती है ये और ये बहुत बदतमीज औरत है और भी गाली देने लगी, तो हम उनके पास गए। हमको लगा कुछ हो गया क्या, तो हम उनके पास गए, हमें क्या हुआ, काहे नाराज हो रही, क्या हो गया, तो हम ही को डांटने लगी और तेज़ तेज़ बोलने लगी, बोले आरोप लगाने लगी कि तुम इसका प्रचार करती हो, उसका प्रचार करती हो। और इसके बाद हमने कहा सांसद का, वो बोलती मेरे सांसद का प्रचार चुनाव हो जाए इसके बाद तुमको मैं देखती हूँ तुम कैसे यहाँ रहती हो। फिर हम ऐसे हटने लगे तो हमारा हाथ पकड़ के उन्होंने मड़ोड़ दिया, तो हमारा हाथ नहीं, मुँह से बात कीजिए, हाथ छोड़ दीजिए, हमारा नहीं छोड़ रही। तो फिर हमने अपना हाथ इस हाथ से करके झटका लिया और खींच के फिर हम चल दिए। और चिल्लाती अपमानित तो हम 4 साल से हो ही रहे लगातार, सब जगह संदेश बताया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से ही बताया, पूरा संगठन में भी बताया और जिला शहर के जो संगठन उनको भी बताया, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये पहली बार घटना नहीं घटी हमारे साथ, कई बार घटना घटी है और हम अकेले पी जाते हैं, लेकिन कल तो बहुत ही जान की मारने की धमकी दी गई है और हाथ हमारा मरोड़ दिया गया है। आज तक हमको कोई आँख नहीं दिखाया और उन्होंने हमारे आम को छुआ और हाथ हमारा मरोड़ा, तो ये हमको लगा, लोगों ने कहा कि FIR करना चाहिए, कल को हमको मार दिया जाएगा तो कोई पुलिस के पास सबूत नहीं है। हमने पुलिस से कहा भी, हमको सुरक्षा गार्ड दे दिया है लेकिन नहीं सुना, पूछा गया लेकिन नहीं दिया गया। और ऐसी कई बार घटना घटती है हमारे साथ। कल पुलिस कार्रवाई करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो ठीक है, हमारा पुलिस तो ऊपर वाला है, हम वहीं बताते हैं बस। ठीक किया तो अथवा उन्हें अभद्र गालियाँ या तो चाहती बात, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है, ये सरासर गलत है। हमारे ऊपर झूठे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं राजनीतिक, जबकि हम असलियत बात यह है कि इनका 23 तारीख को 34 नंबर वार्ड में चल रहे भ्रमण के बीच में इन्होंने कम से कम 40-50 साल के उम्र के व्यक्ति से, जो इनके खुद के उम्र के बराबर थे, उन मिश्रा जी की गाड़ी रोकी इन्होंने, जो कि वो कांग्रेस का दुपट्टा भी डाले हुए थे, और उनसे इन्होंने कांग्रेस के प्रचार के लिए राजा राम त्रिपाठी जी का नाम भी लिया और ये भी बोला कि इस बार ताकत दिखा दीजिए और कांग्रेस को जिताने के लिए। जबकि फिर इन्होंने ये भी बोला कि आप मेरे घर में आओ, शाम को बैठ के बात करते हैं, इस तरह उन्होंने बात किया। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने कर लिया था और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को इन्हें नहीं पता था कि हमने रिकॉर्डिंग किया है। तो ये जब ये पीछे मुड़ के देखती हैं तो हम खड़े थे, तो उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्शन करा कि ये महिला यदि रहेगी तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूँगी, मैं नहीं आऊँगी। तो ये पार्टी का गलत प्रचार। आज सिविल लाइन थाने में सतना महापौर श्रीमती ममता पांडे जी ने नीता सोनी के विरुद्ध गाली गलौज मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना सिविल लाइन में इस पर 294/23/5 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है।